हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और समर स्पेशल रेसिपी, वो है वाटरमेलन पॉप्सिकल्स की रेसिपी, मतलब तरबूज के आइसक्रीम, या इसे आप तरबूज के चुस्की भी कह सकते हैं। समर में ये पॉप्सिकल्स बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आइए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे तरबूज। तरबूज लेते समय फ्रेंड्स इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो बिल्कुल ही लाल हो, जिससे कि हमारी पॉप्सिकल्स का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने तरबूज को कट कर लिया है और ये बिल्कुल ही लाल है, और इसे हम इस तरह पीसेस में कट कर लेंगे और इसके जो बीज है उसे हम निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ मिक्सर जार, मैंने बड़ा वाला मिक्सर जार लिया है। अब हम इसमें सारे कटे हुए तरबूज के पीसेस को डाल देंगे। हमें इसका जूस निकालना है। इसे आप कद्दूकस करके भी जूस निकाल सकते हैं, पर ये आसान तरीका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पर शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि कभी कभी कोई तरबूज ज़्यादा मीठा होता है तो उस हिसाब से आप शक्कर इसमें डाल सकते हैं। अब इसे हम बंद करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और ये हमारा वाटरमेलन का जूस बनकर के तैयार है। अब हम एक बाउल लेंगे, उस पर एक छन्नी लगा लेंगे और इसे हम अच्छे से छान करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जूस को मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे हिलाते हुए हम छान लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से वाटरमेलन का फ्रेश जूस तैयार मिल गया है। अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे। अगर आपके पास पॉप्सिकल्स मोल्ड ना हो तो आप इसे डिस्पोजल टी ग्लास में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे सारे मोल्ड्स में भर देंगे। सारे मोल्ड्स भर गए हैं। अब हम इसके ऊपर इसका कैप लगा देंगे और इसे फ्रीजर में हमें 4 से 5 घंटे के लिए रखना है, या ओवरनाइट आप इसे रख सकते हैं। अब मैं इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। 5 घंटे हो गए हैं इसे फ्रीजर में रखे हुए, और अब मैंने इसे निकाल लिया है। आइए देखते हैं हमारे पॉप्सिकल्स जमे हैं या नहीं। तो इसे निकालने के लिए मैंने इसे एक बड़े बर्तन में पानी में डाला है और इसे इस तरीके से हम निकाल लेंगे। और ये देखिए, हमारे वाटरमेलन पॉप्सिकल अच्छे से जम करके तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा वाटरमेलन पॉप्सिकल बनाना कितना आसान है, और यह बहुत ही आसानी से बन जाता है। और गर्मियों में इसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप काला नमक और चाट मसाला डालकर खाएं तो और भी इसका स्वाद दुगना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें गर्मियों में। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वाटरमेलन पॉप्सिकल्स की रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक अच्छी सी नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।